मिठू मिठू मिठू। जी हाँ, आपको पता है रश्मि देसाई का नाम मिठू भी है। वैसे तो रियल लाइफ में टीवी स्टार रश्मि देसाई के कई नाम हैं, लेकिन रियल लाइफ में कौन है जो उन्हें मिठू कह के पुकारता है और कैसे पड़ा उनका नाम मिठू, ये खुद बता रही हैं रश्मि। मेरा नाम मिठू रखा है विशाल ने, और इतना मुझे घर में शुगर कोटेड बुलाते थे, और मैं थोड़ा सा ना जानबूझ के घुमा के आंसर देती थी, क्योंकि सामने वाला ना मेरे वर्ड्स पकड़ने की कोशिश करते थे और मुद्दा बनाने की कोशिश करते थे। सो आई फाउंड द ट्रिक कि इनसे सीधी भाषा में बात करोगे तो ये ना तम्फरी करते हैं, तो इनको ना इन्हीं की चीज़ में घुमा के सीधा बैंग ऑन दो, तो मैं वो करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्यार से नाम मिठू रखा। तो आई एक्सेप्टेड कि हाँ मैं हूँ, शुगर कोट करती हूँ और मिठू भी हूँ, बट एटलीस्ट मैं किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलती जो जो उनको बुरे लग जाए। खैर, ये तो थी मिठू के नाम की कहानी, पर आइए अब आपको बताते हैं रश्मि की एक और बात जिससे रश्मि को होता है बेहद नुकसान, और वो ये कि वो जल्द ही लोगों की गलतियों को माफ कर देती हैं। शायद यही उनका ड्रॉबैक भी है, और ये खुद रश्मि भी एक्सेप्ट कर रही हैं। ड्रॉबैक है भी, और है मेरी लाइफ में ये ड्रॉबैक है और हमेशा रहा है। आई हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग चांसेस एंड नॉट आई कॉन्ट डिटैच माई सेल्फ ऑल्सो इमीडिएटली। मैं वो मेरा ड्रॉबैक रहा है, एंड आई थिंक विद द जर्नी आई हैव रियलाइज्ड दैट के नहीं, यूनिवर्स गिव्स यू, सो यू डोंट हैव टू फॉरवर्ड इट, यू नीड टू वैल्यू इट, अंडरस्टैंड एंड देन यू डिसाइड। सो दैट्स हाउ आई हैव एक्सेप्टेड। वेल, अपने रियल लाइफ में रश्मि ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रश्मि की लाइफ में कौन है उनका इंस्पिरेशन जिनसे उन्हें मिलती है प्रेरणा? माई ग्रैनी एंड माई मदर। माई मदर्स जर्नी इज नॉट एट ऑल वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट। शी हैज रेज्ड मी लाइक अ मैन। हमेशा बोलती है चार बेटों में एक लड़की है, और चार के बराबर एक बेटी है ये भी बोलती है। तो मुझे तब रियलाइज होता है कि आई एम अ वेरी पावरफुल सोल एज अ वुमेन, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी। इफ आई कैन गिव लव, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट मीन्स आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन लाइफ। तो वो सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर्ड करती है, और जब डिफिकल्टी आती है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई नहीं यार, ये दिन भी जाएगा। तो सुना आपने कैसे मिलती है रश्मि को प्रेरणा, और शायद यही वजह है कि आज रश्मि इन लोगों के इंस्पिरेशन से ही अपने लाइफ के सारे गम को भुलाकर आज वो जीवन की रेस में आगे बढ़ रही हैं।